everyone, this is Sakshi and welcome back to my channel. Today's video is about my paper solving strategy, and also I'll be telling you about the books which I used and highly recommend to you throughout your NEET preparation. So stay tuned till the end. तो बात ऐसी है कि जब लास्ट में हमने फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तब कुछ ऐसी बातें मेरे ध्यान में आई जिन्होंने एंड में जाके मुझे बहुत हेल्प किया, एंड आई फील कि आप लोगों को भी ये बातें सुननी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें एंड में जाके फ़ायदा होता है। उसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक्स्ट्रा रफ पेपर का कम से कम यूज़ करना है, और ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम डे पे तो हमें एक्स्ट्रा कोई पेपर मिलता नहीं है कैलकुलेशंस के लिए। जो भी होता है हमें वो इस क्वेश्चन पेपर में ही करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 पेजेस मिलते हैं हमें कैलकुलेशंस के लिए। और कई बार क्या होता है कि स्पेस कम होने के कारण हमारी जो रफ वर्क है या हमारे जो कैलकुलेशंस है वो ओवरलैप हो जाते हैं और हमें कंफ्यूजन होने लगता है। तो इसी चीज़ को फेस करने के लिए या फिर टैकल करने के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें। हम कोई रफ पेपर का यूज़ ना करते हुए अपने भी जो भी कैलकुलेशंस है वो क्वेश्चंस के साइड में ही एडजस्ट करते जाए स्टार्टिंग से ही। दूसरी चीज़ है कि हमें अभी पेन का यूज़ स्टार्ट कर देना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स ऑलरेडी दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को आदत होती है पेंसिल की, वो पेंसिल से ही कैलकुलेशंस करते हैं फिर उन्हें मिटा देते हैं, और बबलिंग के लिए भी पहले वो किसी और आंसर पर बबल करते हैं और वक्त आने पर टाइम पे आंसर चेंज करने के लिए किसी इरेजर से उसे मिटा कर किसी और आंसर पर चेंज कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि एंड में देखना हमें कोई एक्स्ट्रा स्टेशनरी नहीं दी जाती है, स्केल, रबर, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा वगैरह, तो हमारे पास बस होती है तो वो एक NTA की पेन जिससे हमें कैलकुलेशंस और बबलिंग साथ साथ करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि एंड में अभी आप पेन का ही यूज़ करें और पेंसिल को वगैरह अवॉइड करें। द नेक्स्ट थिंग वॉज अ रूल काइंड ऑफ थिंग इन माई इंस्टीट्यूट विच ग्रेजुअली टर्न आउट टू इम्प्रूव माई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। हमें पेपर 15 मिनट पहले ही सॉल्व करके सबमिट करना होता था, मतलब हमें फुल फ्लेज 3 आवर्स नहीं मिलते थे पेपर सॉल्व करने के लिए। 2 आवर्स 45 मिनट्स वॉज द टाइम लिमिट। यहाँ तक पेपर हुआ कम्प्लीट तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी हुआ, कोई क्वेश्चंस छूट गए हैं या फिर बबलिंग नहीं हुआ है, तो भी कोई मतलब नहीं होता था, हमें पेपर सबमिट करना ही होता था। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बढ़ जाती है, हम वही पेपर एफिशिएंटली और क्विकली सॉल्व करने लगते हैं। और दूसरी चीज़ तो ये है कि काफ़ी सारे सेंटर्स पर पेपर जो है कि वो टाइम पर नहीं दिया जाता है। कभी कभी 2 बजे का पेपर रहा तो 2:15 को या 2:10 को या 2:05 को, मतलब कुछ ना कुछ टाइम मिसमैच हो जाता है। तो अगर आपका पेपर सॉल्विंग का टाइम ही अगर आप 2.5 आवर्स लेते हो तो वो टाइम भी कवर अप हो जाता है। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पेपर दे रहे हो या ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, तो ट्राई करो कि पूरे के पूरे 3 घंटे पेपर के लिए ना दो, एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले पेपर सबमिट कर दो। खुद के लिए इंडिविजुअली रूल बनाओ कि मैं 15 मिनट पहले ही पेपर कम्प्लीट कर दूंगा, और इनकेस पेपर छूट भी जाता है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, देन इट्स नॉट अ लॉस नाउ। लेकिन अगर सेंटर पे टाइम पे पेपर छूट गया, देन इट्स अ बिगर लॉस फॉर यू। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, यू विल फेस सम डिफिकल्टीज, लाइक 10-15 क्वेश्चंस छूट जाएंगे या फिर बबलिंग छूट जाएंगी करने की, लेकिन स्लोली एंड इवेंचुअली योर माइंड विल अडॉप्ट दिस हैबिट एंड स्टार्ट वर्किंग फास्टर। इसके बाद ना आप खुद को चैलेंज कर सकते हो, आप अपना ही लिमिट बढ़ा सकते हो। पहले 15 मिनट पहले सॉल्व कर लिया, या फिर उसके बाद 30 मिनट्स पहले सॉल्व कर लिया, या फिर ऐसे धीरे धीरे करके जो पेपर आप पहले 3 घंटे में सॉल्व करते थे, अब वही पेपर आप 2 आवर 45 मिनट्स या 2 आवर 30 मिनट्स या 2 घंटे में भी सॉल्व कर पाते हो। तो इससे डेफिनेटली आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। दूसरी चीज़ जो सबको बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो है रॉन्ग बबलिंग। हमारा आंसर ए होता है लेकिन हम मार्क सी को करते हैं, तो इससे जो है ना वो काफ़ी जनों के बिन फालतू मार्क्स वेस्ट हो जाते हैं, और कभी कभी इससे सरासर 15-20 मार्क्स कम हो जाते हैं हमारे। मेरे कभी रॉन्ग बबलिंग के कारण मार्क्स कटे नहीं हैं, तो क्या सिली मिस्टेक्स की वजह से कटे हैं? तो हाँ, पर मैंने इस चीज़ को ओवरकम ऐसे किया था कि आई यूज टू चैंट द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर साइमल्टेनियसली इन माई माइंड व्हाइल आई वॉज बबलिंग।
आपने एक चीज नोटिस की होगी, व्हेनेवर वी आर राइटिंग समथिंग एंड हमारे माइंड में अगर कुछ चल रहा हो, लाइक अगर हम कोई गाना गा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट राइटिंग द लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग ऑन दैट पेपर। मतलब इससे ये बात सामने आ रही है कि हमारा माइंड जो है वो डायरेक्ट करता है कि हमें क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए मैं भी अपने दिमाग में बबलिंग करते वक्त उसका आंसर, वो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर अपने माइंड में ही पढ़ते जाती थी। लाइक अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है और सेकंड का सी है, तो 1 का बी, सेकंड का सी, ऐसे साइमल्टेनियसली मार्किंग करते जाती थी। यू कैन ट्राई डूइंग दिस एंड फाइंड इट वेदर इट इज ट्रू और नॉट। अबव ऑल जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको एनसर्कल किया करो, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। कमिंग टुवर्ड्स द पेपर अप्रोच, मैं पेपर को 2 बार सॉल्व करती थी। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई यूज टू सॉल्व ऑल द इजी टू गो क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस जिन्हें एक बार पढ़कर ही समझ में आ जाता था कि इसका आंसर क्या होगा या फिर इसको कैसे निकालते हैं। ऐसे इसमें अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ रहा है, देन लीव इट एंड लीव इट फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। ऐसे सभी फर्स्ट ट्राई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमारा पेपर एक बार कंप्लीट हो जाता है। अब हमें सेकेंड अटेम्प्ट में जाना है, जहाँ पे हम वो डाउटफुल क्वेश्चंस को फिर से उनके बारे में सोच कर और एनालाइज करके उनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि जो सेम क्वेश्चंस हमें पहले नहीं बन पा रहे थे, उन्हें जब हम दोबारा देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसमें नया दिखता है, कुछ ना कुछ हिंट हमें मिलती है। तो आई हैव यूज दिस 2 अटेम्प्ट पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। कोई लोगों का दूसरा स्ट्रेटेजी होता है, मतलब वो सारे क्वेश्चंस को बस एक ही बार सॉल्व करते हैं। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस मेथड देन यू कैन गो विद इट, अदरवाइज यू हैव द 2 अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी विद यू। कमिंग टू द ऑर्डर ऑफ बबलिंग, आई वुड से इट्स अ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव कॉल। आपको कोई बता नहीं सकता है कि आपके लिए परफेक्ट ऑर्डर क्या है बबलिंग करने के लिए। आइदर यू कैन डू दिस थिंग कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसकी मार्किंग कर दो साइमल्टेनियसली, या फिर यू कैन डू द मार्किंग्स आफ्टर 10 or 15 क्वेश्चंस, या फिर पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद आप बबलिंग कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं सब्जेक्ट वाइज मार्किंग करती थी, मतलब बायो होने के बाद बायो का मार्किंग, फिजिक्स होने के बाद फिजिक्स एंड सो ऑन। आई थिंक यू शुड कीप एक्सपेरिमेंटिंग योर सेल्फ विद दिस ऑर्डर ऑफ मार्किंग द आंसर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वेन यू आर सॉल्विंग अ बंच ऑफ फुल लेंथ पेपर्स, सो दैट द ऑर्डर विच सूट्स यू द बेस्ट हेल्प्स यू आउट इन द एंड। सो चूज अ ऑर्डर जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल भी हो और जिसमें सबसे कम गलतियां भी करते हो।